आज का वीडियो बहुत ज्यादा खास है। आज के वीडियो में मतलब इतना तड़कता भड़कता और आग वाला सॉन्ग मोहनलाल सर का मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है एंड द सॉन्ग नेम इज इम्पुरान। वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग दिस इज एंड आई होप यू विल रियली एंजॉय दिस सॉन्ग। सो गाइस टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम इस गाने को। The most celebrated upstart of contemporary politics. Hariti en enjil kattum kaval naanamme iyalum kaatin kannil vaalum maaya mandrame maaripe kaana kare aalithire nee irulil vaanil neerum neera suryane ediriyairam eriyum aanidam adiridangalo adarkalam തേടുന്നു നോറ്റുന്നു കാക്കുന്നു വാഴ്ത്തുന്നു താരാധിപന്മാർ നിന്നേ। സ്റ്റീഫൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആളല്ല സർ। വടക്കൻ കളരികളിൽ എണ്ണം പറഞ്ഞ് വെട്ടുന്ന പാരമ്പര്യം ഉണ്ടെന്നറിയാം, പക്ഷെ എന്റെ കളരിയിൽ വെട്ടിന്റെ എണ്ണമല്ല, ആഴമാണ് കണക്ക്। ഇനിയൊരു മടക്കമില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കുംഭസാരിച്ച് മനസ്സ് ശുദ്ധിയാക്കിയിട്ട് പോകും। ചെയ്ത പാപങ്ങൾക്കല്ലേ ഫാദർ കുംഭസാരിക്കാൻ പറ്റൂ, ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാപങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ। സ്വർഗം വാഴും ദൈവം പേരും പകലിൻ വിഴിയിൽ എരിയും നീ വെൺ ശുക്രനെ എതിരിയായിരം എരിയ മാനിടം അതിരിടങ്ങളോ അടർക്കടം തേടുന്നു നോറ്റുന്നു കാക്കുന്നു വാഴ്ത്തുന്നു താരാധിപന്മാർ നിന്നേ എംപോ। Wow, what a great song and what a great actor I have seen in this video, Lal Eitan। मतलब इतना कमाल के हीरो हैं एंड जितना भी उनके बारे में मतलब कॉम्प्लीमेंट दो कम लगेगा। मतलब इतना सुपर्ब लग रहा था ये सॉन्ग एंड दिस सॉन्ग इज़ वेरी यू नो पावरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जेटिक सॉन्ग इसको बोल सकते हैं। मतलब हर एक एक वर्ड में मतलब ऐसा लगता कि आग है आग, मतलब इतना सुपर्ब सॉन्ग लग रहा था। एंड लाल एटन का जो वो मतलब बोलते ना इसमें एक्शन सीन देखने को मिला वो बहुत ही मतलब दमदार तरीके से कर रहे थे। मतलब मज़ा आ रहा था देख के, ऐसा लग रहा था बस देखते जाओ। ये सॉन्ग को गाया है उषा उत्तप ने और उषा उत्तप की आवाज़ वैसे भी इतना मतलब बोलते ना भारी आवाज़ है एंड वेरी हैवी वॉइस होता है उषा उत्तप का। एंड इस गाना में मतलब इतने खूबसूरत तरीके से उषा उत्तप ने गाना गाया है कि बहुत ही दमदार ये गाना लग रहा है सुनने में। आई डोंट नो लिरिक्स क्या है बट जो भी लिरिक्स है बहुत ही औसम है। एक वाणी बार बार सुनने को मन कर रहा है ये वाला सॉन्ग इम्पुराने। मतलब आई डोंट नो क्या होता है इसका मीनिंग बट बहुत ही कमाल का सॉन्ग था। एंड गाइस जैसे ही इसमें बोला ना कि माना तू जख्मी है जुल्मी तू जुल्मी है, मतलब दिस वर्ड सुपर्ब लग रहा था इस गाने में। वाओ इस गाने का मतलब हर एक एक सीन बहुत ही कमाल का था। जैसे आई रियली लव टू सी यू नो फर्स्ट क्लिप ऑफ दिस सॉन्ग जिसमें ईसा मसीह को दिखाया गया एंड आफ्टर दैट आई हैव सीन यू नो
उनका एंट्री दिखाया गया और जिस अंदाज में उनका एंट्री दिखाया गया बहुत ही कमाल का था लालेटन का. एंड उसके बाद जो एक्शन सीन देखा मैंने बहुत ही कमाल का था. आई रियली यू नो लव दिस सॉन्ग एंड आई रियली एंजॉयड ईच एंड एवरी लिरिक्स ऑफ दिस सॉन्ग. जो भी था सुपर्ब था, कमाल का था. उषा उत्तम की वॉइस लिटरली बहुत ही कमाल की गाना गाती हैं उषा उत्तम मैम. एंड इस गाने मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी, यू नो उनका वो जो ऐसे हाथ करके स्टाइल था रोकने का वो लाइक बहुत ही कमाल का था. एंड उसके बाद एक सीन विच आई रियली एंजॉयड जो कि मुझे अच्छा लगा इसमें, जैसे कि वो अपने मतलब पूरा गैंग के साथ आ रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था फुल पावर के साथ आ रहे थे. वो सीन आई रियली एंजॉयड इन दिस वीडियो. वाह बहुत ही दमदार इसमें देखने को मिला लालेटन का हर एक एक एक्टिंग में, और जिस तरह से उन्होंने गुंडों की जबरन धुलाई की बहुत ही कमाल कर रहा था. सो गाइस फुल्ली इंजॉयड दिस वीडियो. गाइस आई हैव सीन इन दिस वीडियो उनकी ग्रेट पर्सनालिटी, और सबसे खास बात आई रियली एंजॉयड उनकी जो आंखें वाला जो वो एटीट्यूड देखने को मिला, दैट वॉज रियली सुपर्ब. मजा आ गया मतलब देख के ये वीडियो. सो गाइज दिस इज माई रिएक्शन ऑन दिस वीडियो. कैसा लगा आपको मुझे बताना कमेंट करके. एंड इफ यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो गिव थम्स अप. एंड गाइज इफ यू न्यू इन माई चैनल डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर लवली लवली वीडियो. सो गाइज आई विल बी बैक सून ऑन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.